जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारे तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करता है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। मुकद्दर लिखने वाले के इख्तियार में है मुकद्दर बदलना, तो फिर मायूसी कैसी? जिस कहानी का आगाज तुम अब बदल नहीं सकते, इसका अंजाम अल्लाह के हवाले कर दो। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते। जब किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में मत जमा करो जिसमें सुराख हो। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। हजारों लोगों में से इस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त ना करे। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है।